नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें, दो दिनों के गया दौरे पर थे तेजस्वी यादव, वहां जहां उनकी बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात भी हुई है और वहां से लौटते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए और सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सियासी हैसियत से काफी अहम हो सकती है ये मुलाकात, क्योंकि इस वक्त न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में एक सियासी हलचल मची हुई है। चाहे वो नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने की बात हो, मुद्दा राम मंदिर का हो, या फिर आने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इंडिया गठबंधन में अब कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। इन दोनों के बीच तेजस्वी यादव अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इन दिनों ये चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर कल एक मीटिंग भी हुई। नीतीश कुमार की एक वर्चुअल मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के साथ। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है, नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस पर अब तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है। लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की भी चर्चा हो रही है। जो तमाम दल है इंडिया गठबंधन में, वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए इंडिया गठबंधन में, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव है वो बेहद अब नजदीक है, इसलिए जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाए। हालांकि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं किया जा सका है। आपको बता दें, एक तरफ कांग्रेस ने अपने राज्य के नेताओं के साथ बैठक की थी और ये तय किया था कि लगभग 280 से 290 सीटों के बीच जो कांग्रेस है वो अकेली चुनाव लड़ सकती है और बाकी के सीट वो तमाम दलों में बांट सकती है। हालांकि इस बात पर अब तक मुहर नहीं लगाई गई है, ना ही कांग्रेस के तरफ से, ना ही इंडिया गठबंधन की ओर से। हालांकि सूत्रों का यह कहना था कि कांग्रेस 280 से 290 सीटों में जो आने वाले चुनाव है उस पर लड़ सकती है। हालांकि अब तक इस बात को भी साफ नहीं किया गया इंडिया गठबंधन से। अब अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यह मुलाकात हो रही है। कुछ दिनों पहले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर जदयू की कमान भी संभाल ली है, जिसके बाद राजनीति काफी गर्म हो गई थी। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का हाथ थाम सकते हैं, एक बार फिर वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि इन अफवाहों को खारिज करते हुए भी नजर आए थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के तमाम नेता, जिसके बाद ही एक बार फिर ये खबरें तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर भी अभी कोई साफ तौर पर फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाल ली, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये डर था कि उन्हें आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार का साथ जरूर चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने साथ बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन उन्हें अपना संयोजक बना सकती है। हालांकि अब जेडीयू के नेता ये भी मांग करते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक भी बनाया जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जाए इंडिया गठबंधन की ओर से। अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अचानक ये मुलाकात हो रही है, इसके क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, क्या कुछ आगे बड़ी खबर सुनने को मिलने सकती है, इसकी भी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।